क्या था अगर अरसला भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर लेती? कितना खा लेती बेचारी? वो इस घर की नौकरानी है, पूरे 30,000 रुपए महीने पे रखा है उसको, उसे उसके औकात में रखना बहुत जरूरी है। आहिस्ता बोलो, उस बेचारी को क्या पता, वो तो तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारी खिदमत करने के लिए आई थी। इसे नहीं पता ना, लेकिन घर वालों को तो पता है ना, गुंठी भर कर पैसे लिए उन लोगों ने, उनके तो दिन फिर गए इसको यहाँ भेज कर। ऐसे ये साबिर जो ना, शक्ल से मुझे बहुत ही लालची और घटिया इंसान लगता है। तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वो तो बच्ची है, भूखा प्यासा रखना है उसे क्या? आपको इतनी हमदर्दी क्यों है उससे? कोई आपके सगे भाई की बेटी थोड़ी लगती है, दूर की रिश्तेदारी है, पता नहीं है भी या नहीं। सेदर बिस्किट लो। लगता है शनास की कमेटी खुली है, तुम्हें तो पता ही होगा, बहन हो आखिर। वो कमेटी कहाँ डाल सकती है सेदर, इतने बचते ही कहाँ है, घर का खर्चा ही पूरा हो जाए यही बहुत है, तुम तो जानती हो ना उसके हालात। फिर इतनी सारी खरीदारी माँ बेटी कैसे कर रही थी? 3-4 हज़ार का सामान तो होगा दोनों के हाथों में। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे शनाज और नईमा की, अभी बाजार में देखा था, दोनों बड़ी खुश खुश जा रही थी घर। खुला पैसा हो ना तो इंसान दिल के अरमान पूरे कर ही लेता है। अल्लाह सब को दे। आमीन। लगता है शनाज ने बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी है। वाह भाई वाह, बड़ी शॉपिंग है वो ये। वाह। अरे मैं तो नईमा को बड़ी बज़ौक समझती थी, मैं तो समझती थी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, और अब देखो जरा कैसे शौक से घर के सारे काम कर रही है। अम्मा मैं आपको अरसला की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, मैंने फैसला कर लिया था। शाबाश बेटा शाबाश, तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी माँ को अरसला याद नहीं आएगी, वरना तो बात बात पर याद करेगी उसको। खैर याद तो बहुत आती है, वो कैसे रोती भी गई है, मेरा तो बड़ा ही दिल दुखा है। फिर वही बेवकूफी की बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है शनास। अरसला को तो तुम्हारे घर आना है ना, तारीख रख दी है आतिफ और अरसला की शादी की? नहीं अभी तो कोई तारीख नहीं रखी है, लेकिन होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा मुझे बुलाना मत भूलना। अरसला ने बेटा बनकर दिखाया है, कुछ अरसे में तुम देखना, अरे इस घर का हुलिया बदल जाएगा। बस खुदा करे वो जमकर नौकरी करती रहे, बहुत कुछ करना है अब। मैं सोच रही थी अगर हर महीने 30,000 आएंगे तो मैं एक कमेटी डाल लूंगी, और मैं कह दूंगी कि पहली कमेटी हमें मिलनी चाहिए। ये जरूर कह दे रहा हूं, अरे इन पैसों से मैं स्कूटर ले लूंगा, वरना सारी जिंदगी पैदल चल चल कर मेरी हड्डियां तो जवाब देने लगी है। मैं सोच रही थी कि अरसला के लिए सेवर बना लूं, आखिरकार एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना उसकी। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हारी माँ को, अरे अभी उसकी नौकरी लगी है और तुम्हें उसकी शादी की फिक्र हो, अभी उसने हमारा साथ देना है, इस घर को संभलने दो, अभी अरसला की शादी को
भूल जाओ फिलहाल। अरे उसकी पहली जिम्मेदारी ये घर है। अब ये हुई ना बात। अगर तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ सकते तो मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। माँ बाप की खिदमत कर रहा हूं, औलाद का फर्ज होता है। सबसे बड़ी औलाद चाहे बेटा चाहे बेटी। अम्मा अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज कितना मजा आया था, आज अब्बा बहुत मजा आया था। मैं तो सोच रही हूँ कल भी जाऊं। मुझे माफ कर देना अरसला, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। सब सब्जियां काट ली तुमने? ये शाशलिक में ऐसे टमाटर डालेंगे? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? है मोटे मोटे कहा था तुझे मैंने, हाथ होती ये सब कब कटेगा, कब खाना बनेगा और पूरे घर की सफाई बाकी है। निकम्मे कहेगी तने क्यों आ गई तू यहाँ पर? खून खराब कर देती मेरा, बीपी हाई। अम्मी ज्यादा देर तक मत जागा करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तुम भी तो जागते रहते हो, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम जागते रहो और मैं सो जाऊं। मेरे नसीब में तो पता नहीं और कितनी रातें जागना, शायद सारी उम्र। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? मेरा यकीन करो असला कुछ दिन के लिए मुदस्सर भाई के यहाँ गई होगी, आ जाएगी ना? एक हफ्ता तो हो गया, हमें पता नहीं और कितने दिन लगाएगी। और मालूम नहीं ये मदरसे चर्चा अभी साल 6 महीने बाद कहाँ से आ जाते हैं। साबिक खालू का कोई और रिश्तेदार नहीं है क्या? जहर लग रहा है मुझे। क्या होता जा रहा है तुम्हें आते हैं? बड़ों के लिए ऐसे बात करते हैं क्या? किसी के लिए कोई इज्जत कोई एहतराम नहीं रहा तुम्हारे दिल में? अच्छा बाप ज्यादा बातें ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, सोने की कोशिश कर। तुम भी सो। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना।
अभी बाहर मिर्जा साहब मिले, बता रहे थे कि उनकी नवासी ने उनके नाम पर प्लॉट बुक करवाया है। बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता नया घर बनवाऊंगा और इस वाले को किराए पे दूंगा। मैंने भी सोच लिया है, बस मैं भी फौरन ऐसे ही करूंगा। तो एक साल में छोटा मोटा घर बन जाएगा, अरे चार पैसे आएंगे किराए के, और फिर अरसला की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। अल्लाह ऐसी नेक औलाद सबको दे जैसे मिर्जा साहब की नवासी और हमारी अरसला। अरे घटिया होते हैं, नीच होते हैं वो लोग जो तो बेटों और बेटियों में फर्क रखते हैं। मुझे तो अपनी बेटी पे फखर है। अरे बेटों से बढ़कर हिम्मत दिखाई उसने। घर से दूर जाकर पैसा कमाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और वो तुम्हारा भांजा धक्के खाता कर रहा है। शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी की जान छुड़ा ली उससे। मुदस्सिर चाचा। जी बेटा। अब्बा मैं एक बात आपको पहले ही बता रही हूँ, खुदा का वास्ता है, पैसे आए ना तो नया फ्रिज ले लीजिएगा और नया टीवी। अब इस पुराने टीवी पे मैं सच बता रही हूँ, तस्वीर भी अच्छी नहीं आती है। हाँ बेटा, एक एक करके सब कुछ आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और कुछ ही रोज में अगले माह की तनख्वाह भी आ जाएगी अर्शला की। मुदस्सिर भाई का फोन है, अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। भाई साहब ये अपनी बेटी से बात कर लो, बहुत याद कर रही है घर वाले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ जी अब्बा, बस आप जब से यहाँ आई हूँ आप लोगों से बात ही नहीं हुई, बहुत याद आ रही थी आपकी। आप मुझे वापस कब लेने आएंगे? ला मुझे तो, मैंने बात करनी है। अब्बा ये अम्मा है ना, वो आपके पास ही खड़ी है ना, मेरी बात कराइए उनसे। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी हुई है बेटा, तुम्हारी अम्मा और नईमा तो पड़ोस में गई हैं, घर पे तो कोई भी नहीं है इस वक्त। अपना दिल लगाओ बेटा, मुदस्सिर भाई के बड़े एहसानात हैं हम पर, उन्हें और हसीना भाभी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ, अब बंद करो फोन। अरे बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है लड़की। मुझे तो डर है कहीं मुदस्सिर भाई उसे वापस ही ना छोड़ जाए। महीना पूरा होते ही लाइन कट गई है शायद। कोई बात नहीं, फिर किसी वक्त फोन कर लेना घर वालों को बेटा। मुदस्सिर चाचा आप मुझे वापस छोड़ें, ये आप मुझे बस पर बिठा दे, मैं खुद चली जाऊंगी।
मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई अर्सला से? अरे पहला और आखिरी चांस मिला है हमें अपनी मुसीबतें दूर करने का, खुदा के लिए उसे जमने दो। वहां इस तरह बार बार बात करेगी तो कैसे दिल लगेगा उसका, वहां हर वक्त लगन लगी रहेगी वापस आने की। हाँ मुझे माफ कर दे प्लीज, बस मुझे अम्मा के पास वापस छोड़ आए। अब छोड़ आएंगे ना, बताइए। तुम घर नहीं जा सकते हो असला, और ना ही तुम्हारे घर वाले तुम्हें रखेंगे। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से तुम्हें यहाँ मुलाजिम बनाकर भेजा है। 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपए महीने पर। अब समझ में आया तुम्हें? तुम चाहो या ना चाहो, रहना तुम्हें यहीं पर होगा। से कौन चाहता है कि वो वापस आ जाए? और उसके साथ ही मुफलसी और बेचारगी का दौर भी, जिसमें सारी जिंदगी कटी है हमारी। अम्मा, टेलर की सिलाई की तो ना बात ही कुछ और होती है। इतने वक्त बाद मैंने इतनी अच्छी फिटिंग के कपड़े सिलवाए हैं, वरना तो हमेशा वो अर्सला ही सीती रहती थी। वो दर्जी से भी अच्छे कपड़े सीती है। उसके पास कितने सिलाई के कपड़े आते थे? हाँ 100-150 लेती थी वो सिलाई के, जैसे पैसे वैसी ही सिलाई। आपको पता है मेरा सूट कितने में सिला है? पूरे 600 में, वो भी इतनी मुश्किल से। कह रहा था 800 दे दो। अम्मा बाहर आते भाई मिले थे मुझे। खैरियत है? क्या कह रहा था? सुरैया खाला की तबीयत बहुत खराब है, दवाइयां लेने जा रहे थे उनकी। अल्लाह खैर करे, उनकी तबीयत संभल के ही नहीं दे रही है। एक ही एक तो मेरी बहन है, यहीं बैठकर परेशान होती रहिएगा, जाकर उनकी खैरियत क्यों नहीं मालूम करके आ जाती है? हाँ वैसे भी पूरे दिन बेचारी इतनी अकेली होती है, कोई उनका ख्याल रखने वाला ही नहीं होता है। तुमने अपने अब्बा का गुस्सा नहीं देखा था उस दिन, कैसे आतिफ को धक्के देके घर से बाहर निकाला था? अम्मा वो बात और थी, कब की खत्म हो चुकी है अब तो, वो बहुत वक्त गुजर गया। अब क्या आप उसकी वजह से जीना मरना खत्म कर देंगे उनके साथ? मैं तो कहती हूँ कि चले उनकी खैरियत मालूम करके आते, अब्बा कुछ भी नहीं कहेंगे। मेरा जिक्र हो रहा है, खैरियत तो है। वो सुरैया आपा की तबीयत ठीक नहीं है, गुड्डू बाहर से सुनकर आया। बेफिक्री की नींद भी क्या नेमत है, शुक्र है हमारे नसीब में भी आई। शुक्र है मौला। देखा अब्बा ने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ, इसी में से कुछ पहन लूंगी। बस
बस क्या बताऊं, तबीयत ही ठीक नहीं रहती। रात भर जागती रहती हूँ और दिन भर गिजा की तरह दवाइयाँ खाती हूँ, फिर भी आराम नहीं आता। हाँ भाई, तंग आ गई मैं तो, समझ। अरे ध्यान से, अगर किसी भी चीज का नुकसान हुआ ना, तेरी तनख्वाह में से मैं पैसे काट लूंगी। हराम का पैसा नहीं जो मैं यूं बर्बाद कर दूं। हाथ होती है कुछ नहीं, वो नई मुलाजमा जो रखी है। हाँ तुम तो अच्छी तरह जानती हो, अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए तो हजारों का नुकसान कर देते हैं ये लोग। अम्मी जल्दी आए ना। क्या हुआ, अंदर आने को नहीं कहोगे, बाहर ही खड़ा रखोगे? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बाजी कहाँ है? अंदर आई। कैसे हो? मुझे आकर बताया आपकी बीमारी के बारे में बाजी, जब तक मैं आपको देख ना लूं मेरी आंखों को चैन नहीं आता। मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाली थी शहनाज, साबिर भाई से माफी मांगने के लिए आतिफ की तरफ से, बल्कि आतिफ खुद माफी मांगेगा उनसे जो भी इसने गलती की है उसके लिए। क्यों आतिफ? गलती तो मेरी कोई नहीं है, लेकिन अरसला की वजह से माफी मांग लूंगा साबिर खान से। इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए था आप लोगों को। मुदस्सर भाई बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा सभी के काम आते हैं। उनकी बीवी बहुत बीमार थी, इसीलिए अरसला को भेजा था। वाह, इतने बड़े शहर में देखभाल करने वाला कोई मौजूद ही नहीं था, तो अरसला को यहाँ से भिजवा दिया। ये भी अच्छा लतीफा है वैसे। तुमने वही बेवकूफ़ी की बातें शुरू कर दी आदर, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये सारा बिगाड़ पैदा हुआ है। बहरहाल खाला, आप अरसला को जल्दी वापस बुलवा लें, नहीं तो मैं खुद जाके उसे ले आऊंगा। और समझाएं साबिर कालू को कि इतना जुल्म ना करें, तानी बेचारी कितनी परेशान होगी। देखो वो उसके पाप है और उन्हें पूरा हक है अपनी बेटियों पर, कहां भेजना है और कहां नहीं। देखें आते दिल लगाओ बेटा, मुदस्सर भाई के बड़े एहसानात हैं हम पर। उन्हें और हसीना भाभी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरसला बेटा। जी चाचा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी शायद यहाँ ज्यादा है। आपको कोई काम था? हसीना ने तुम्हें जो कुछ कहा उसका मुझे बेहद अफसोस है, वो बहुत बदज़बान औरत है, मैं उसे रोक नहीं सकता बेटा, लेकिन तुम उसकी बातों का बुरा मत मनाना। आप फिक्र ना करें मुदस्सर चाचा, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, और वैसे भी उन्होंने कुछ गलत तो कहा भी नहीं, जो हकीकत है वही बयान की। अरसला, अरसला, अरसला कहां मर गई हो? जल्दी आओ इधर, मेरी मेडिसिन कहां रखी है?
अरसला बहुत खुश है वहां पर। अब तुम भी अपना मूड अच्छा कर लो ना आगे, इस तरह जलते रहने से क्या होगा भला। मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। मुदस्सिर चाचा खुद लेने आए थे अरसला को, खुशी खुशी तैयार होकर चली गई थी वो उनके साथ। बिल्कुल नई लग रही थी उनकी गाड़ी। मैंने तो ये भी सुना है कि उनका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे मुलाजिम काम करते हैं वहां पर। सलाह तो राज कर रही होगी। मदरसा चाचा का घर अरसला के लिए पराया है और राज अपने घर में किया जाए। राज तो वो बस एक ही घर में करेगी और वो होगा मेरा घर। अरसला के अपा दिल के बुरे नहीं है बाजी, देखिए ना आपकी हालत सुनकर उन्होंने मुझे यहाँ आने से मना नहीं किया। मुझे यकीन है साबिर भाई मेरी बात नहीं टालेंगे। देखो शहनाज, एक आध दिन में आतिफ की नौकरी का खत आने वाला है। मैं ये खुशखबरी लेकर आऊंगी तुम्हारे घर और इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर हम अरसला और आतिफ की शादी कर देंगे, ठीक है जी। तुम्हें अभी लगता है ऐसा होगा? अभी से क्या मुराद है तुम्हारी? ओ समझा, तुम ये साबिर खालू की वजह से कह रही हो ना। साबिर खालू अगर 10 बार भी कहे ना कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है तो ये रिश्ता तो नहीं खत्म होने देता मैं, चाहे उनके पैरों में पड़ के माफी क्यों ना मांगनी पड़े। मैं अब्बा की वजह से नहीं अरसला की वजह से कह रही थी। वो वापस नहीं आना चाहे, उसका दिल नहीं है वापस आने पर। कह रही थी कि जिंदगी हो तो ऐसी शहर जैसी, कराची जैसी जिंदगी। अम्मा बस चलें, बहुत देर हो गई है, निकलते हैं। हाँ अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा फिर आऊंगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अम्मा। हाँ बेटा। आतिफ अरसला के जाने से बहुत नाराज है। उससे क्या होता है, हम अपनी बेटी को जहाँ चाहे भेजें, उसे एतराज करने का कोई हक नहीं है। लेकिन आतिफ तो अपने से ज्यादा किसी का हक नहीं समझता ना अरसला पर। कह रहा था कि उसका और अरसला का रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारे अब्बा ने ये रिश्ता कब का खत्म कर दिया है? बस सुरैया आपा और आतिफ इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो क्या उनके जोर देने पर आप अरसला की शादी कर देंगे आतिफ से? सवाल ही नहीं पैदा होता। खुदा खुदा करके तो इस गुर्बत के कटने का आसरा हुआ है। अरसला हमारा वाहिद सहारा है, अभी उसे वहां काम करना है, इस घर की महरूमियां खत्म करनी है। अब आया ना वो पहाड़ के नीचे, अब देखती हूं आतिफ को मुझसे कौन अलग करता है। भाई हर चीज बहुत अच्छी बनी थी, खाना खा के मजा आ गया। लगता है कोई नया कुक मिल गया। अच्छा ये बना रही आजकल, बस गुजारा हो रहा है। नहीं रखिए क्या, क्योंकि मैंने पहले तो इसका कभी देखा नहीं। वैसे अच्छे खानदान की लग रही है। अच्छे खानदान की होती ना
तो दूसरों के घरों पे ये पड़ी भी नहीं होती। आप लोग भी तो कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, कब शिफ्ट हो रही हो? बस इंशाल्लाह एक दो महीने के अंदर। भाई तुम जब भी शिफ्ट हो इस लड़की को मेरे पास रखवा देना, जरूर याद से। पता नहीं भाई उसके घर वाले राजी होंगे या नहीं, ये तो मदरसा के जान पहचान वाले थे इसलिए यहाँ छोड़ दिया, कुछ कह नहीं सकती मैं। तुम बात तो करो, तुम जो सैलरी दे रही हो उसे 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा दूंगी तो क्यों नहीं तैयार होंगे? गरीब लोग पैसे के लालच में आ जाते हैं, तुम बात तो करो। अब तो मोहल्ले वाले भी अरसला के बारे में पूछने लगे, कब आएगी वो, महीना भर होने को है। महीना बस 30 हज़ार आने वाले हैं आजकल में। वो तुमने कमेटी वाले से बात की? इसी महीने की चाहिए हमें, किस्तें उतारते रहेंगे हम आराम से। मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या लेके बैठ गए? क्या जवाब दूं आखिर लोगों को? अरे इन दो कौड़ी के लोगों की क्यों परवाह करती हो तुम? जब हम भूखे मर रहे थे तो किसी ने फिक्र किया और पूछा हमसे हमने क्या खाया है क्या नहीं? अब सबको अरसला की फिक्र पड़ी है, हसद करते हैं, हसद साफ जाहिर हो रहा है। वो तो ठीक है साबिर साहब, आखिर दुनिया वालों से कटकर तो नहीं रहा जाता ना। मैं कह दो लोगों से, वो रहती है अपने चचा के यहाँ, पढ़ाई करती है वहां, जॉब भी करती है, मुंह बंद हो जाएंगे सबके। और अरसला उसे क्या जवाब दूं? जब भी फोन करती यही पूछती है और कितना अरसा मुझे वहां रहना है, बोले क्या जवाब दूं उसे? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही समझा दूंगी उसे। अब्बा बाहर डाक वाला आया। हाँ अल्लाह का शुक्र है। आ गए भाई आ गए 30 हज़ार। ले पकड़। अरसला मेरी बहुत समझदार बेटी है, घर के हालात तो तुम जानती हो बेटा, बस कुछ करने की हिम्मत करो। और वैसे भी बेटा यहाँ पर भी तो तुम सारा दिन मशीन पर बैठकर कपड़े सीती थी, वहां पर तो सिर्फ घर की देखभाल ही करनी है ना। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी सुन रही हूँ मैं आपकी बात। और वैसे भी बेटा तुम्हारे अब्बा की नौकरी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, और यहाँ पर है ही क्या, वहां पर मुदस्सर भाई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गुड्डू का दाखला भी जाना है और घर की खस्ता हाल छत, समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मा समझ रही हूँ मैं। और बेटा अल्लाह के बाद तो बस तुम ही हमारा सहारा हो, और वैसे भी हमने तुम्हें वहां सारी जिंदगी तो रखना नहीं है। बस बेटा एहसान होगा तुम्हारा हम सब पर, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में बेटा, तुम समझ रही हो ना अरसला मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप फिक्र ना करें अम्मा, आप जो चाहेंगी मैं करूंगी, रह लूंगी यहां जब तक आप कहीं। शाबाश बेटा, मैं जानती थी मेरी अरसला कभी मेरी कोई बात नहीं टालेगी। अम्मा वो खाला के यहाँ सब खैरियत है ना? हेलो हेलो अरसला बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मैं फिर तुम्हें फोन करूंगी बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा खुदा हाफिज़।